आइए हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। केमिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली है, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी हमें बताता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हमें दिखाई देने वाली चीज कि किस तरह से किसी प्लांट में या एनिमल के अंदर हमें कोई चीज दिखाई दे रही है और उसे हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो चलना, मूवमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो हमें समझ में आती है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो हमें पता नहीं चलता है अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है कि वो किस तरह से हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये वाली जिसमें केमिकल यूज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मूवमेंट हुआ, ब्रीदिंग हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारा क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए हम देखते हैं यहां पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो रोटेशन होगा, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये रोटेट होगा। रोटेट दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। बिल्कुल सही। तो एक बार में वो एक ही तरीके से होगा, या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि पूरा प्रोटोप्लाज्म अगर जा रहा है तो एक तरफ जाएगा या दूसरी तरफ जाएगा। इस तरह से ये वन डायरेक्शन होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, टू टाइप का होता है। एग्जाम्पल हमने हाइड्रिला और वेलसिनेरिया देख लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सर्कुलेशन किसी भी डायरेक्शन होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं, सर्कुलेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, सर्कुलेशन को मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉल्ज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनते हैं, तो सूडोपोडिया जो बनते हैं वो सॉल्ज एंड ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनते हैं। मतलब उसमें सर्कुलेशन होता है, प्रोटोप्लाज्म सर्कुलेट हो रहा है, उसे किसी चीज को बनाने की जरूरत है। सूडोपोडिया बना, वहां वो सर्कुलेट हुआ, वहां वो गया क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो सॉल्ज जेल ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके वजह से जो सॉलिड चीज है वो जेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो सॉल्ज जेल ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टिमुलेशन एंड इरिटेबिलिटी, यहां पे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन मतलब हम जैसे किसी चीज को छूते हैं तो छूने के बाद में वो अचानक से ऐसे करके उठता है, ये स्टिमुलेशन। या हमारे चेहरे पे कोई अचानक लाइट दे दे तो हम स्टिमुलेट हो जाते हैं, आप इसे समझिए। या छुई मुई, जो उसको हम थोड़ा सा भी हाथ से हाथ लगाए नहीं तब भी हम देखते हैं तो वो क्या है, नीचे की तरफ हो जाती है, मुरझा जाती है। ये क्या है, स्टिमुलेशन है किसी चीज का। और इरिटेबिलिटी का मतलब दूर जाना, इरिटेशन होना किसी चीज से, कि किसी भी चीज, हम सुई है, सुई को हमने लगा लिया हमारे ऊपर तो हमने क्या हुआ, हम पीछे ले लिए। तो इस तरीके से आप इसे समझिए कि स्टिमुलेशन और इरिटेबिलिटी। ये ब्राउनी मूवमेंट दिखता है, तो ब्राउनी मूवमेंट रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी, आप ध्यान रखिए। इसके इन्वेस्टिगेटर कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने की न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था, वेरी गुड। तो इनका एक मोशन है ब्राउनीय मोशन, तो इस तरह की ये गति को बताता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो मोर देन वन होती है। अब आपको मुझे बताना है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। शोज इंक्रीज सरफेस एरिया, आप देखिए यहां पे उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो अपना सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा लेगा, ठीक है। ऐसे ही सूडोपोडिया बनाएगा तो वहां का सरफेस एरिया बढ़ा लेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन उधर का उधर की तरफ उसको प्रोटोप्लाज्म को लेके जाएगा, ये मूवमेंट है एक तरीके का, ठीक है। और तो ये इस तरीके से करता है। इसकी पीएच लगभग 7 रहती है, बट इंजरी अगर होती है, इसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होती है, लेकिन अगर इंजरी होती है, अगर चोट लग गई आपको जो, तो इसकी पीएच जो है 5.2 से 5.5, मतलब एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक जो होती है वो सेल के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब डिस्पर्सन। टिंडल इफेक्ट को हम अगर और बेहतर तरीके से समझे तो, अगर मान लो हमने वॉटर है, वॉटर के अंदर आप थोड़ी देर के लिए आलू को रख दीजिए, तो आलू में से स्टार्च उसके अंदर थोड़ा सा चला जाएगा। अब उसे उसको लाइट दीजिए, जब आप लाइट देंगे तो लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, लाइट क्लियर पास नहीं होगी। जब लाइट डिस्पर्स होती है तो उस डिस्पर्सन होने के इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
आप कुछ भी पानी के अंदर कलर मिला दीजिए, है ना, तो लाइट क्या है डिस्पर्स हो जाएगी कुछ भी चीज। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्योर वाटर लेंगे तो लाइट डिस्पर्स नहीं होगी, लाइट की रेज जो है वो डायरेक्टली ट्रांसपेरेंटली चली जाएगी। तो आपको टिंडल इफेक्ट भी समझाया जाएगा, सारी चीजें केमिस्ट्री में आप टिंडल इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो इसका खत्म हुआ और प्रोटोप्लाज्म फिनिश हुआ।